मुकेश अंबानी और डिज्नी हुए एक। देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने इंटरटेनमेंट जगत का सबसे बड़ा सौदा हथिया दिया है। इसके सौदे का पूरा हो जाने के बाद रिलायंस भारत की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनी बन गई है। रिलायंस और वॉल्ट डिज्नी के बीच एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसके तहत वॉल्ट डिज्नी के भारतीय कारोबार का 51% रिलायंस का हो जाएगा। दोनों कंपनियों के एक हो जाने के बाद देश की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनी जन्म लेगी। मोहन सरकार में 28 मंत्रियों ने ली शपथ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली बंपर जीत के 22 दिन बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। मोहन यादव सरकार के 28 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 4 स्वतंत्र मंत्री बने हैं। इन मंत्रियों में कैलाश विजय वर्ग, प्रहलाद पटेल, कैलाश सारंग, तुलसी सिलावट समेत कई बड़े नाम भी शामिल हुए हैं। पुलिस भर्ती को लेकर जयंत चौधरी ने सीएम को लिखा पत्र। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 6244 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वहीं इस भर्ती को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आयु में छूट की मांग कर रहे हैं। ओवरएज हो गए अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें इस भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। अब इस मामले में रालोद मुखिया जयंत चौधरी का भी अभ्यर्थियों का साथ मिला है। बीजेपी नेता ने की एलजी से मांग। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बुराड़ी में दिल्ली सरकार के अस्पताल में महिला कर्मियों के यौन शोषण की घटना सख्त शब्दों में भर्त्सना की है। उन्होंने उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मांग की है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही स्थानीय विधायक संजीव झा से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि महिलाओं ने आरोप लगाया है कि यौन शोषण करने वाले आप विधायक के समर्थक हैं। कोटा में विक्ट्री कार्निवल आयोजित। राजस्थान के कोटा में कोचिंग की सफलता का उत्सव विक्ट्री कार्निवल दशहरा मैदान में मनाया गया। यहां नीट और जेईई 2023 के रिजल्ट में सफल रहे स्टूडेंट्स का सम्मान किया गया। स्टूडेंट्स अपने परिजनों के साथ समारोह में शामिल हुए। कार्निवल थीम पर आयोजित कार्यक्रम में स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों में उत्साह देखते ही बन रहा था। रैंक के आधार पर अलग अलग बैच के अनुसार स्टूडेंट्स का सम्मान करने के लिए फैकल्टी मंच पर आई। स्टूडेंट परिवार के साथ मंच पर नाचते गाते आए और फैकल्टी से सम्मान प्राप्त किया। लेफ्टिनेंट कर्नल हार गए जिंदगी की जंग। देश की सीमा की रक्षा करने के लिए जान की बाजी दांव पर लगाने वालों में शुमार और अदम्य साहस के लिए सेना मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह 2 दिन पहले जिंदगी की जंग हार गए। वे 8 साल पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद से वह कोमा में थे। शनिवार को सैन्य अस्पताल जालंधर में उनका निधन हो गया। मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा पर निकली शबनम शेख। कंधे पर केसरिया ध्वज, पीठ पर राम मंदिर की तस्वीर और जय श्री राम का नारा लिखा हुआ बैनर के साथ मुख में राम नाम राम भक्ति में लीन होकर मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा करने वाली मुंबई की रहने वाली शबनम शेख की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। शबनम मुंबई से अपने 2 दोस्तों के साथ पैदल अयोध्या के लिए निकली है। वह 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर भी तय कर चुकी है। अमित शाह पर भड़के उद्धव ठाकरे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी वह तारीख रहेगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस समारोह से देश भर के नामचीन लोग जुड़ेंगे। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना UBT के चीफ उद्धव ठाकरे गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से बीजेपी पर भड़क हुए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने एक बयान में कहा कि हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि रामलला के दर्शन फ्री करा देंगे। क्या रामलला बीजेपी की प्रॉपर्टी है? वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि रामलला सभी हिंदुओं के हैं, उन पर किसी पार्टी का विशेष अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि बीजेपी का हिंदुत्व केवल दिखावा है। '99 के बयान पर सम्राट चौधरी ने सीएम को लपेटा। पूर्व पीएम दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने खुलकर उनकी गुणगान की। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी की कृपा से नीतीश कुमार रेल मंत्री बने थे। जो आदमी बीजेपी की कृपा से 18 साल से मुख्यमंत्री हो और 6 साल रेल मंत्री रहे,
अब वह कह रहे हैं कि हमारी कोई लालसा नहीं है। 1999 का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उस समय भी उन्होंने कहा था कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हो गई तो उस पद पर जाने की कोई इच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। दक्षिण भारत में एनडीए को झटका, एबीपीसी वोटर ओपिनियन पोल लाइव दक्षिण भारत रीजन में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को झटका लगता दिख रहा है। एबीपीसी वोटर के ओपिनियन पोल में विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में 40% वोट जाने का अनुमान जताया गया है। वहीं एनडीए को 19% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा अन्य को 41% वोट मिल सकते हैं। अमेरिकी दावों पर भड़का ईरान, भारतीय तट के पास हिंद महासागर में जहाज पर हुए ड्रोन हमले के पीछे अमेरिका ने ईरान के होने का दावा किया था, जिसे ईरान के विदेश मंत्रालय ने बेकार कहकर खारिज कर दिया है। सोमवार 25 दिसंबर को ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दावों को झूठा करार दिया। अमेरिकी आरोपों के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा, हम इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा, इस तरह के दावों का उद्देश्य गाजा में ज़ायोनी शासन के अपराधों को नहीं उजागर करना, जनता का ध्यान भटकाना और अमेरिकी सरकार के पूर्ण समर्थन को छुपाना है। इस दौरान ईरान ने ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड कैमरन की हाल की टिप्पणियों की आलोचना की, जिसमें उन्होंने ईरान को दुनिया के लिए घातक बताया था। शमशान घाटों पर लगने लगी लंबी लाइनें, चीन में एक बार फिर कोरोना का प्रभाव देखने को मिलने लगा है। यह संक्रमण की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि चीन के शवदाह कोरोना के कारण होने वाली मौतों की वजह से 24 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ भी कोविड के नए सब वेरिएंट JN.1 का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भारत में भी JN.1 के बढ़ते मामले चिंता का कारण बने हुए हैं। सर्बिया की सड़कों पर उतरी भीड़, यूरोपीय देश सर्बिया में लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। देश भर में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां गुस्साई भीड़ पिछले सप्ताह के आम चुनाव में कथित धोखाधड़ी का विरोध कर रही है। रविवार 24 दिसंबर को तो प्रदर्शनकारियों ने बेलग्रेड की ऐतिहासिक इमारत सिटी हॉल में घुसने की कोशिश की, जिसे देखते हुए स्थानीय पुलिस को भीड़ को चितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। हमास के लड़ाकों ने बच्चों को जलाया, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू ने पोप फ्रांसिस से इसराइल गाजा जंग में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बंधकों की बिना किसी शर्त रिहाई को लेकर पोप से कहा है कि वह इस मामले में दखल दें। सारा नेतन्याहू ने पोप फ्रांसिस को खत लिखा, जिसमें हमास के आतंक का जिक्र किया गया है। उन्होंने लिखा कि हमास के लड़ाकों ने निर्दोष नागरिकों की हत्या की है और नवजात बच्चों को जला दिया है। इसके अलावा उन्होंने चिट्ठी में महिलाओं से बलात्कार का जिक्र भी किया है। इमरान खान को बड़ा झटका, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने देश में पंजीकृत राजनीतिक दलों की एक नई सूची जारी की है। ताजा सूची के अनुसार पाकिस्तान में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 175 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान का नाम पार्टी प्रमुखों से हटा दिया है। सूची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेतृत्वहीन राजनीतिक दल बताया गया है। हालांकि ECP ने परवेज खट्टक के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसदों को सूची में शामिल किया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।